हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी मेंबर्स को हम वन बाय वन जान रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन जो है वो क्या मीनिंग है उसका, तो प्रीपोजिशन जो है फर्स्ट वी विल ब्रेक इट डाउन। प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स इट बिकम्स प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है इसका मतलब क्या हुआ, प्री मीन्स पहले, मीन्स बिफोर, ओके, और पोजिशन होता है एक तरह से टू टेक प्लेस। तो यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड और प्लेस्ड बिफोर अ noun, oblique we can also say pronoun or a noun phrase, noun phrase। और इसका फंक्शन क्या है, and it tells that nouns relation, that nouns relation with the other word, with the other word of the sentence। तो क्या हुआ बच्चों, यानी प्रीपोजिशन जो है वो इन दो से मिलके बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, और प्लेस जिसकी पोजिशन या जिसका प्लेस पहले है किससे। तो प्रीपोजिशन एक वो शब्द होता है जिसको हम यूज करते हैं या रखते हैं किसके सामने, एक नाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकती है, दैट कैन आल्सो बी अ नाउन फ्रेज। और वो जो प्रीपोजिशन है वो बताता है उस नाउन का संबंध जो है वो सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ क्या है, तो इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द prepositions, types of prepositions। तो ऑलमोस्ट preposition जो होते हैं बच्चों वो 150 वर्ड्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतने prepositions होते हैं। बट 150 जो prepositions हैं they are categorized into 4 or 5 categories। So mainly I am taking over here the 4 types of preposition। In this one the first preposition it is simple preposition, second one is called compound preposition, third one is participle preposition, and the fourth one is phrase preposition। I will also talk about one more preposition which is called fixed, fixed preposition। fixed क्यों बोला है इनको, क्योंकि ये जो preposition होते हैं ये fixed होते हैं, इनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होता कि व्हाई दे आर फिक्स्ड इन दिस वे, वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दैट वन। तो आई विल टेल यू अबाउट दिस वन लेटर ऑन। नाउ कम टू द सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जैसा कि नेम से ही सजेस्ट या नेम ही इसको बताता है कि दे आर वेरी सिंपल, मींस ये वन सिलेबल से बने होते हैं और इनके आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले इन, आउट, इनटू, और अलग भी होता है टू, इसी तरह से अपॉन, एंड आउट, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन। नाउ कम टू द कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मीनिंग होता है कि मीन्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स, मिश्रित जिनको बोला जाता है। तो ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है बेटा, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ, ये बनते हैं फॉर्म्ड ऑफ प्रीफिक्सिंग यानी प्रीफिक्स लगाकर, प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन। ये क्या होता है, किसी प्रीपोजिशन के साथ, कोई प्रीपोजिशन है उसके साथ में प्रीफिक्स लगाते हैं हम। तो जब दीज आर फॉर्म्ड ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये बनते हैं किसी प्रीपोजिशन के आगे प्रीफिक्स लगाने से। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अबाउट, ठीक है, इसी तरह से बिलो, इसी तरह से वी कैन टेक बिसाइड और ऑल्सो बिसाइड्स। वेरी बिग डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन बिसाइड और बिसाइड्स, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है सारे, ये जो है इनको हम बोलेंगे जैसे मैंने अगर यहाँ पे देख रहे हो आप बी 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 एक्सेट्रा ये प्रीफिक्स है। इन प्रीपोजिशंस के सामने मैं इस प्रीफिक्स लगा दिया तो ये बन गई कंपाउंड प्रीपोजिशन। और इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, जो अ होता है उसका मीनिंग बनता है नो, ठीक है, और जो बी बनता है बी उसका मीनिंग बनता है बाय। तो अ मीन्स नो और बी मीन्स बाय। अब जैसे बाउट है, बाउट होता है ना, ये क्या है, ये एक तरह से हमारा नाउन या प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से बिलो, लो एंड हाई, व्हाट इज इट, ये भी एक तरह से नाउन की फॉर्म में है। साइड, ये भी एक तरह से जो भी, और इसी तरह भी साइड। तो ये सारे क्या है, तो यहाँ पे प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो है बाउट, लो, साइड और साइड्स, ये एक तरह से नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में आते हैं। इनके आगे अ या बी लगाए तो इसका मीनिंग होता है, ए का मीनिंग नो एंड बी मीन्स बाय। तो इस तरह से हमारे जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड, वो बनाए जाते हैं। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी, द थर्ड टाइप ऑफ द प्रीपोजिशन व्हिच इज व्हाट, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर डूइंग जेरेंड और पार्टिसिपल। तो पहले तो पार्टिसिपल की फॉर्म एक बार दोबारा से आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। पार्टिसिपल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी लगाने से बनते हैं, ठीक है। जैसे कंसीडर है, कंसीडर, इसके आगे इफ वी एड आईएनजी इट विल बिकम कंसीडरिंग। तो कंसीडरिंग जो है, कंसीडरिंग क्या है, ये एक यहाँ पे प्रीपोजिशन की फॉर्म में भी यूज होता है। तो दैट्स व्हाई पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग आईएनजी टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये काम कैसे करते हैं, मींस एज एन एडजेक्टिव, किससे बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, लेकिन एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी होते हैं, इसमें भी इस कैटेगरी में काफी सारे हैं। We'll discuss later on about the same. I just wanted to tell you the clear the meaning of participle preposition, ठीक है। इसी तरह से हम इसको thinking भी बोल सकते हैं, think plus ing, thinking, thinking my teacher would scold me, I ran away, मतलब ये सोचते हुए कि मेरा टीचर मुझे स्कोल करेंगे मैं भाग गया। तो एक तरह से preposition का ही काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं phrase preposition। phrase preposition क्या होता है बेटा, phrase का तो meaning ही क्या होता है, group of words, what does phrase means, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। तो जैसे कि शब्दों का समूह है तो फ्रेज प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होगी जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। और वो कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, 1 2 3 कितने वर्ड्स हो गए, 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये जो है ये भी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये कौन सी प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। इसी तरह से और भी है, ड्यू टू, है ना, इसी तरह से ओइंग टू, देयर आर सो मेनी। तो वी विल टॉक अबाउट नाउ इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी वन। नाउ लेट्स नो अबाउट इन डिटेल अबाउट द सिंपल प्रीपोजिशन बाय टेकिंग द एग्जांपल्स, ताकि आइडिया हमें समझ में आए। देखो सिंपल प्रीपोजिशन वैसे तो बहुत सारे हैं, एज आई टोल्ड यू अप्रोक्सीमेटली 150 जो है प्रीपोजिशंस आर ओवर देयर। लेकिन ये कैसे काम करते हैं हम उनको देखते हैं। तो सिंपल प्रीपोजिशन जो है उसमें इन, एट, टू, ऑन, विद, बाय, इनटू, अपॉन एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ये आते हैं। तो इनका फंक्शन जो है, इंस्टेड ऑफ गोइंग डीप इनटू द रूल्स, विल नो अबाउट द एग्जांपल्स। अब ये फर्स्ट वाला जो है, माय फादर इज इन द रूम, माय फादर इज इन द रूम, मेरे जो फादर हैं वो कमरे में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी फिक्स पोजीशन है उनकी, वो रूम में ऑलरेडी है, मींस वो मूवेबल नहीं है, ऑलरेडी ही इज इनसाइड द, एक फिक्स्ड सिचुएशन की बात की है हमने यहाँ पे, ठीक है। फिक्स्ड सिचुएशन है उनकी, पोजीशन है, वो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज ऑलरेडी जहाँ पे है किसी उसके अंदर, तो माय फादर इज इन द रूम। लेकिन माय ब्रदर गॉट इनटू द रूम, ये इन और इनटू में वन डिफरेंस दैट आई वांट टू टेल यू, इन जो है दैट इज ऑलरेडी इनसाइड द रूम, और यहाँ पे इनटू क्या है, ये मूविंग मूवमेंट को शो कर रहा है, मीन्स वो रूम में जा रहा है एक तरह से, या रूम में गया, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देयर वाज अ मूवमेंट, तो एक गति थी वहां पे, मूवमेंट थी। तो इन जो है ऑलरेडी फिक्स्ड, इनसाइड जो भी है, ही इज लाइंग इन द बेड, वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, हम हिंदी में जो बोलते हैं बेड पर लेटा हुआ है, पर के अकॉर्डिंग ओन आना चाहिए, लेकिन हम हमेशा क्या लिखते हैं लाइंग इन द बेड, क्योंकि बेड जो है बच्चों, बेड के जो है इस तरह से वो यहाँ पे लेटा हुआ, तो अंदर ये नहीं अंदर घुस के, बट यस उसके उस पे लेटा हुआ है। तो कभी भी प्रेपोजिशन को इस तरह से आप लोग ना करें कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाए और तब उसका मीनिंग कुछ और होता है, बट इट इज यूज इन सम अदर वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आवर स्कूल ओपन्स एट 7 AM। यहाँ पे हमने यूज किया एट। एट का मीनिंग क्या है, ये एक तरह से एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो एट जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमारा स्कूल 7 बजे खुलता है, जो 7 जो है ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताया है, ठीक है। इसी तरह से ऑन माई वे टू जयपुर आई शैल स्टे एट दिल्ली। अब देखो जब हम कहीं जाते हैं, वैसे तो दिल्ली, देखो नीचे वाले एग्जाम्पल में आई विल क्लियर द सेम थिंग, मेरे जयपुर के रास्ते पे आई वॉज गोइंग टू मिस अगेन मूवमेंट इज देयर फ्रॉम माई जो भी प्लेस है वेयर आई लिव, जहाँ पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ, जयपुर के रास्ते जाते हुए मैं दिल्ली रुकूंगा। एट ये एक प्रॉपर प्लेस को भी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एट आ गए प्रॉपर प्लेस को। लेकिन इसमें देखो आई वॉज बोर्न इन हरियाणा एट महेंद्रगढ़। अब देखो हरियाणा जो है वो बिग सिटी है, स्टेट है, लेकिन इससे स्मॉलर क्या है, महेंद्रगढ़ इज अ पार्ट ऑफ दैट, हरियाणा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हमेशा इन जो है वो बिग सिटीज, ठीक है, स्टेट्स या उनके लिए यूज होता है क्या इन, लेकिन एट जो है वो उससे स्मॉलर, जैसे विलेज हो गया, स्मॉलर जो होता है ना एक सेंटेंस में, स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हमें इस तरह से यूज करना है तो पहले हम बिगर वन को रखेंगे, आई वॉज बोर्न इन हरियाणा। हरियाणा क्या है, स्टेट है, ये बड़ा हो गया, तो बड़े के लिए क्या यूज करेंगे इन, लेकिन एट महेंद्रगढ़ इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा से छोटा है, स्मॉलर है, उसके लिए एट यूज। ये जरूर आपको याद रखना है कि इन एज ए प्रपोजिशन इज यूज फॉर सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज या बिगर प्लेसेस कंपेरेटिवली देन द स्मॉलर वन, और एट जो है वो छोटे उसके लिए, ठीक है। और भी हम अभी आगे जानेंगे। अब सिंपल जो प्रेपोजिशन है उसके कुछ और भी एग्जांपल हैं। हमने इन और इनटू किया, एक बार थोड़ा सा आपको फिर से बता देती हूँ। इन जो है बच्चों मैंने आपको बताया, तो इन और किसके साथ आ सकता है, इन द मॉर्निंग, और इसी तरह से इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द आफ्टरनून, और इसी तरह से इन द इवनिंग। ये जो डिवीजन ऑफ डे होता है, दिन का जो डिवीजन होता है उनके साथ। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना है ये आपको कि इन प्रेपोजिशन जो है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग के साथ आता है। लेकिन इसी तरह से अगर हम एट की बात करते हैं, एट जो है दिस इज ऑल्सो अ सिंपल प्रेपोजिशन, ये किसके साथ आता है, नून, नाइट, डॉन। डॉन जो है DAWN, ये भोर के समय को बोलते हैं, मीन्स द टाइम जस्ट बिफोर द सन राइजिंग, ठीक है, सूर्य उगने से पहले का जो समय होता है, 4 बजे से लेके सूर्य उगने तक, उसको बोलते हैं डॉन, ठीक है। तो इनके साथ क्या आता है, नून, मतलब एट नाइट, माई फादर कम्स एट नाइट, ठीक है, एंड मीन्स द सन शाइन्स ओवर हेड एट नून, मतलब उस समय बिल्कुल नून समय पे जो है सूरज हमारे सिर पे एक तरह से शाइन करता है, एट डॉन, ठीक है। तो ये सब कुछ। इसी तरह से एट जो है वो किसके साथ आता है, टू टेल रेट ऑफ कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज का मीनिंग क्या है बच्चों, सामान, चीजें। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कॉमोडिटीज यानी कोई भी हम सामान खरीदते हैं उसका रेट बताने पे, ठीक है। और दूसरा विद फेस्टिवल्स, अगर हम जैसे कहते हैं त्योहार मनाते हैं, तो त्योहार से पहले भी एट आता है, जैसे माई फ्रेंड, माई क्रिश्चियन फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है जो क्रिश्चियन है, तो ही कम्स टू माई होम एट क्रिसमस, मतलब क्रिसमस त्योहार पे वो मेरे घर आता है मुझे गिफ्ट देने के लिए। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि हिंदूज वर्शिप लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी एट दिवाली, तो दिवाली पे हम लोग उसकी पूजा करते हैं, तो फेस्टिवल्स के सामने भी क्या लगा, एट लगा, ठीक है। इन द सेम वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसके लिए भी हम एट का ये टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देखिए, राहुल कम्स हेयर एट नून, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड है अनियंस आर सेलिंग एट 50 रुपीज अ किलो, तो ये भी मैंने बोला टू टेल द रेट ऑफ कॉमोडिटीज यानी सामान का रेट बताने के लिए। तो इसमें जो प्याज है, अनियंस आर सेलिंग एट 50 रुपीज ए किलो। जो प्याज है वो आजकल 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो यहाँ पे एड जो है वो इसका रेट बताने के लिए यूज हुआ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने टू का लगा दिया। अगर हम टू को लेते हैं, आई गो टू टेम्पल डेली, तो टू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टू का था एक्चुअली, तो एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो आई गो टू टेम्पल डेली, तो एक जगह से यानी अपने घर से मैं रोज टेम्पल जाती हूँ। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा सिंपल जो प्रेपोजिशन है दैट इज ऑन एंड अपॉन। ये दिखने में बहुत ही सिंपल है बट इनके डिफरेंस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑन का मीनिंग, क्या है ऑन जो है वैसे तो हम डेट या डे के सामने लगाते हैं, है ना। डेट हो जैसे माय बर्थडे इज ऑन 26 जनवरी, तो यहाँ पे मेरा जो बर्थडे है दैट इज ऑन 26 जनवरी। तो ये क्या है, इसमें देखो दोनों ही आ गए वैसे तो, मतलब 26 जनवरी। या आई शेल गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को स्कूल जाऊंगी। तो ऑन जो है डे के आगे भी आ गया, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन संडे एटसेट्रा। तो जो भी तारीख होती है, डेट होती है बच्चों, और डे होता है उसके सामने भी हम ऑन यूज करते हैं। और क्या करते हैं, और जब भी जैसे हम बोलते हैं ना आई गो टू माई स्कूल ऑन फुट, पैरों पे, अब पैदल चल के जाता है तो फुट के आगे भी ऑन आता है। लेकिन अगर मैं कोई व्हीकल यूज कर रही हूँ तो आई से आई गो बाय कार, उसमें हम बाय लगा देते हैं, बाय कार। लेकिन जब फुट, पैरों की बात आती है तो हम बोलेंगे ऑन फुट, समझ आ रहा है। तो बाय कार, बाई साइकिल या बाई स्कूटी, बाई बाइक, बट ऑन फुट, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर टू शो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन समथिंग, ये जो है हम किसी ऐसी चीज को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं जो किसी चीज के ऊपर रखी होती है। क्योंकि ऑन का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, ऑन का मीनिंग क्या हुआ, ऊपर। लेकिन ऊपर यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है जो कि हम आगे भी करेंगे। यहाँ पे जो ऑन है वो मैंने बोला टू शो अ थिंग दैट इज प्लेस्ड ऑन समथिंग, जो किसी चीज पे रखी है जिसका जो बेस है दैट इज अटैच्ड विद द सरफेस। सपोज करो मैं बोलूं कि आई सिट ऑन फ्लोर, तो मैं जो हूं मैं फर्श पे बैठती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, आई फॉन्ड ऑफ सिटिंग ऑन फ्लोर। तो यहाँ पे ऑन क्यों लिखा, फर्श के ऊपर, लेकिन ऊपर यानी मेरा उसके साथ अटैचमेंट है, मैं उसके साथ मीन्स टच होके बैठती हूँ। तो यहाँ पे देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द सरफेस एंड द थिंग। या फिर इसी तरह से अगर मैं लिखूं द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर, लेकिन टेबल का जो सरफेस है वो बुक को टच कर रहा है, तो वो वाला ऊपर, समझ आ गया होगा आपको। लेकिन ऑन और अपॉन में फर्क क्या है, अब हम अगर अपॉन की बात करें, अपॉन का मीनिंग भी ऊपर होता है, ऑन का मीनिंग भी ऊपर होता है, बट डिफरेंस क्या है, जो अपॉन है वो ऑन ऊपर तो होता है बट इन मूवमेंट, वो मूवमेंट में होता है। जैसे कि मैंने इन और इनटू का बताया था, तो इसमें भी मूवमेंट जो गति में होता है, जो मूवमेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल द लायन जम्प्ड अपॉन द लैम्प, तो लायन जो था वो लैम्प के ऊपर बैठा नहीं था, वो उसके ऊपर उसने जम्प किया, छलांग लगाई, तो मोमेंट में आके उसने छलांग लगाई। The lion jumped upon the lamp. तो आपको on और upon इन preposition के बीच में meaning बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं upon का one more example I can give you, he hit upon a plan, मतलब उसके दिमाग में एक अचानक से प्लान आ गया। तो यहाँ पे मूवमेंट वैसा नहीं दिख रहा है, फिजिकल मूवमेंट इज नॉट देयर, बट माइंड में जो मूवमेंट था वो चल रहा था आइडियाज का। तो दैट इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट कि हिट अपॉन अ प्लान, अचानक से उसको एक प्लान दिमाग में आया, तो दैट वाज ऑल्सो मूवमेंट इन द थिंकिंग। तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट जो है आई विल टेक सम मोर इम्पोर्टेंट सिंपल प्रेपोजिशन, और उनको बच्चों में आपको पेयर्स में ही करवाऊंगी, जोड़े में करवाऊंगी। जैसे मैंने बोला इन और इनटू, ऑन, अपॉन, इसी तरह से और 3-4 ऐसे हमारे पेयर्स में हैं जिनको अगर हम करें तो हमें बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑफ एंड ऑफ। एक्चुअली इनका प्रोनाउंसिएशन ऑफ एंड ऑफ होता है, जो कि हम फोनेटिक्स वाला जब बनाएंगे तो उसमें आपको बताती हूँ। तो ये जो ऑफ है और ये जो ऑफ है, तो इसमें फर्क है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑफ की बात करेंगे। तो ये जो ओ एफ वाला है, टू टेल रिलेशन और क्वालिटी। रिलेशन बताने के लिए या क्वालिटी बताने के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं इसमें रिलेशन कैसे, जैसे ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, वो हमारी फैमिली का हेड है, तो ऑफ यानी एक तरह से रिलेशन बताएगी फैमिली के साथ उसका क्या रिलेशन है। अगर इसी तरह से मैं बात करूं क्वालिटी की तो हम कह सकते हैं ही, या किसी का नाम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैम इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू जो है बहुत हाई है, तो ऑफ उसकी क्वालिटी को हमने बताया। तो ये जो ऑफ है टू टेल रिलेशन और क्वालिटी। बट यहाँ पे ये जो दूसरा है इसकी अगर हम बात करें ऑफ की, दिस वन ओ डबल एफ, इसको एक तो ध्यान रखना है सिंगल एफ और जो डबल एफ स्पेलिंग आती है, तो ये जो है ये सेपरेशन के लिए यूज होता है, कोई चीज अलग हो जाना। ऑफ का मीनिंग है फ्रॉम अपसाइड टू डाउन साइड, या तो कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे उसके लिए आता है, या फिर सेपरेशन होना, अलग हो जाना। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ आई राइट डाउन द एग्जाम्पल, तो आई कैन राइट ओवर हियर द बटन फेल ऑफ ओ डबल एफ, फेल ऑफ हिज शर्ट, मीन्स उसकी शर्ट का बटन टूट गया, जो हम बोलते हैं ना। तो इसमें क्या बोला, द बटन फेल ऑफ, तो शर्ट से सेपरेट हो गया या फिर ऊपर से नीचे गिरा, समझ आया। या फिर इसी तरह से ही फेल ऑफ द साइकिल, वो साइकिल से गिर गया, तो यहाँ पे साइकिल से सेपरेट हो गया, है ना। जो इस तरह से जो भी एग्जाम्पल है सेपरेशन वाला, या हम बोले कि फ्रॉम अपसाइड टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई चीज गिरती है तो वो वही चीज है। तो ऑफ एंड ऑफ में ये फर्क है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो कि हमारा है नेक्स्ट बिटवीन एंड अमंग। अब बिटवीन और अमंग देखने में दोनों का मीनिंग क्या है, के बीच में, लेकिन फिर भी फर्क है। क्या है, बिटवीन जो होता है वो होता है बिटवीन टू पर्सन या टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स, टू पर्सन्स या टू थिंग्स में। जैसे कि ओवर हियर आई हैव रिटन द एग्जांपल ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो यानी राम और श्याम के बीच में बैठा है। सपोज करो दिस वन इज राम एंड दिस वन इज श्याम, और वो कहाँ बैठे, यहाँ, तो एक इधर इन बिटवीन टू, तो ये हो गया बिटवीन। तो क्या होगा, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें अमंग की, अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा जब आता है तो हम अमंग की बात करते हैं। ही इज सिटिंग अमंग ऑल, ऑलवेज हो सकता है बहुत सारे बैठे हो वहां पे, है ना। तो सपोज करो इधर भी बैठे हैं, जो भी है गोले में बैठे हैं, तो यहाँ पे जो बैठा है उसके लिए हम अमंग यूज करेंगे। क्लियर, तो क्या हुआ, ही इज सिटिंग अमंग ऑल। ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल होता है, डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन, इन मिठाइयों को, जो भी मिठाइयां हैं, इन सभी बच्चों में बांट दो, क्योंकि दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां अमंग बोला, दो है तो वहां पे दो के साथ में तो वो बिटवीन आए। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर, आई थिंक वेरी सिंपल, बट इनको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है ना। कम टू द नेक्स्ट वन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अबव, उसका मीनिंग भी होता है ऊपर, और ओवर, उसका मीनिंग भी ऊपर, लेकिन कितना ऊपर, इनमें ध्यान रखना है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अबव एंड ओवर, अबव का मीनिंग होता है ऊपर, हाई, लेकिन ओवर का मीनिंग होता है वेरी हाई, बहुत ऊपर, जिसको शायद हम टच भी ना कर सके, ये ध्यान रखना है। तो ये जो अबव है इसमें हम लिख सकते हैं द फैन इज अबव अस। रूम में हम अपने फैन की सफाई भी करते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं किसी चीज का सहारा लेके, मतलब कोई लैडर लेके, सीढ़ी लेके, तो उसके लिए करेंगे ऊंचा है, बट इतना ऊंचा है जिसको हम छू सकते हैं, वी कैन टच द फैन व्हाइल वी हैव टू क्लीन इट। तो समझ आया, ये है हाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए आई हैव रिटन ओवर हियर इन हिंदी, तो हिंदी में अबव का मीनिंग होता है ऊपर, ऊपर मींस दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम, दैट कैन बी टच्ड, जिसको चाहे हम कुछ भी करें, कोई भी चीज हो जिसको हम किसी चीज के सहारे टच करें, द फैन इज अबव अस। दूसरा, हिज हेड वाज अबव द वाटर, सपोज करो कि कोई तैर रहा है लेकिन उसका जो सिर था वो कहाँ था, अबव द वाटर, तो पानी से बिल्कुल सेपरेट तो नहीं था, दैट कैन बी टच्ड, है ना। इसी तरह से जो दूसरा मैंने बोला ओवर, ओवर का मीनिंग होता है वेरी हाई, मतलब इतना हाई इवन वी आर नॉट एबल टू टच दैट, हम उसको टच नहीं कर सकते, तो वो बहुत ऊपर है। इसमें हम वेरी सिंपल एग्जाम्पल, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर है, आकाश को हम छू ही नहीं सकते हैं हाथ से। द स्टार्स शाइन ओवर अस, रात के समय जो तारे हैं वो हमारे ऊपर चमकते हैं, तो वी कैन नॉट टच द स्टार्स। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी जो है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स क्या होता है की तरफ, यानी इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा की सेंस देता है, दिशा के बारे में बताता है। तो दिशा यानी सैम वेंट टुवर्ड्स दिल्ली या सैम वेंट टुवर्ड्स नो, सैम जो है वो दिल्ली की तरफ गया है। अब दिल्ली जो है, दिल्ली का हमें पता है कि इन विच डायरेक्शन दिल्ली इज फ्रॉम आवर प्लेस, तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। या फिर सैम वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, वो उत्तर दिशा की ओर गया है, तो ये हो गया टुवर्ड्स का। नेक्स्ट जो है कम टू द कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसके डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल से इसके बिफोर, मैंने बोला अ या बी, ये प्रीफिक्स लगते हैं, तो बिफोर, अबाउट, अक्रॉस, बिलो, अगेंस्ट, अंटिल, बिसाइड, बिसाइड्स, इनसाइड, आउटसाइड एंड सो मेनी आर देयर। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस वन, ओके। तो यहाँ पे आई डायरेक्टली कम टू द एग्जाम्पल्स, द बॉल इज बिसाइड द टेबल, तो ये बिसाइड का मीनिंग क्या है, जो बॉल है वो टेबल के पास है, बिसाइड मीन्स नियर, यहाँ पे बिसाइड का मीनिंग क्या हो गया, नियर। तो ये भी एक कंपाउंड वो है, बी प्लस साइड से बना है, ठीक है। ही इज सिटिंग बिसाइड राम, वो जो है वो राम के साथ बैठा है, यहाँ पे नियर है, या विद भी बोल सकते हो, और नियर राम के नजदीक बैठा है या उसके साथ बैठा है, ठीक है। ही हैज मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स सैम, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मीन्स उसके काफी सारे दोस्त हैं बिसाइड्स सैम, सैम के अलावा, तो ये जो है सैम के अलावा, इन एडिशन टू, इसका मीनिंग क्या बना, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। तो देखो बिसाइड के आगे सिर्फ एस लगाया है, बट कितना डिफरेंस आ गया मीनिंग में, काफी। इसका मीनिंग था पास में या उसके साथ में बैठा है, और ये जो बिसाइड्स है इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, तो यानी उसके काफी सारे दोस्त है सैम के अतिरिक्त भी, ऐसा नहीं कि सैम उसका दोस्त है, तो ये आपको ध्यान रखना, बिसाइड एंड बिसाइड्स। नेक्स्ट द लैम्प इज इनसाइड द बॉक्स, लैम्प जो है अभी बॉक्स में रखा है तो उसके अंदर है। आई सो हिम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस होता है के पार, नदी के पार, दूसरी तरफ मैंने उसको देखा। शी इज स्टैंडिंग अलोंग द स्ट्रीट, वो खड़ी है, कहाँ पे, वो खड़ी हुई है गली के साथ में। तो ये क्या है, सारे ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस है, इनको इस तरह से हम यूज करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड kind of preposition, that is participial preposition। Participial का जैसा कि मैंने आपको बोला था, it is formed out of verb की first form plus ing। तो ये जितने भी देखोगे, regarding regard plus ing, considering consider plus ing, accepting, during, notwithstanding, it is very important, ये आता है, इसलिए मैंने इसको underline किया है। इसका meaning होता है in spite of, के बावजूद, In spite of, notwithstanding, देखो कितने उससे बना है, 1 2 3, ठीक है। Notwithstanding, in spite of, के बावजूद, and pending etc, so many are over there। तो इनका लेकिन ये as an adjective काम करते हैं। और participial preposition के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों, इससे जो भी sentence start होता है, ये normally जो है generally they come in the beginning of the sentence, इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। नंबर वन ये ध्यान रखना है। सेकंड, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो नॉर्मली ये 2 सेंटेंसेस में कवर अप होता है, मींस वन इज प्रिंसिपल क्लोज, अनदर वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, रिगार्डिंग येस्टरडेज इंसिडेंट, यानी कल की घटना के कंसर्न में, संबंध में, पीपल आर स्प्रेडिंग रूमर्स, रूमर्स होता है अफवाह, लोग जो अफवाह फैला रहे हैं। तो रिगार्डिंग जो है ये प्रेपोजिशन काम करता है, लेकिन ये कौन सा, पार्टिसिपल, और जैसा कि मैंने बताया सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है। तो रिगार्डिंग येस्टरडेज इंसिडेंट, तो इंसिडेंट जो है ये नाउन हो गया, और नाउन के आगे क्या आता है, ये तो एडवर्ब हो गया, येस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन आया नाउन के आगे। तो रिगार्डिंग येस्टरडेज इंसिडेंट, कल के इंसिडेंट के संदर्भ में, पीपल आर स्प्रेडिंग रूमर्स। सी द सेकंड वन, रिस्पेक्टिंग द डिसीजन यू टोल्ड, मतलब जो डिसीजन तुमने लिया उसका सम्मान करते हुए, तो करते हुए एडजेक्टिव की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। आई शैल बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट विद स्टैंडिंग हिज रिफ्यूजल, तो नॉट विद स्टैंडिंग का मैंने मीनिंग बोला इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज रिफ्यूजल, उसके मना करने के बावजूद, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगी। इसी तरह से टचिंग दिस मैटर, टचिंग दिस मैटर, टचिंग का मीनिंग क्या? रिगार्डिंग, मीनिंग वही बन गया रिगार्डिंग, यानी इस मैटर के संदर्भ में। आई हैव नॉट रीच्ड ऑन एनी कंक्लूजन, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची हूँ। तो टचिंग का मीनिंग भी बच्चों यहाँ पे क्या है? रिगार्डिंग वाला मीनिंग बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट ये जो है हमें पता होना चाहिए। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, और ये सारे इसी तरह से बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। और वो वर्ब कैसे करते हैं? एक एडजेक्टिव की तरह से करते हैं, ठीक है, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हुए बताते हैं। तो ये हमारा थर्ड था। नाउ द लास्ट वन, फ्रेज प्रीपोजिशन। फोर्थ वन जो हमारा है, फ्रेज का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बोला था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड से जो प्रीपोजिशंस बने हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। इसमें कोर कॉन्सेप्ट है, वैसे बहुत सारे हैं, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बाय मीन्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, थ्री वर्ड से बना है फ्रेज। अकॉर्डिंग टू, फॉर द सेक ऑफ, की भलाई के लिए, उसके अनुसार, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, ठीक है, और इसी तरह से इन ऑर्डर टू, ये करने के लिए। तो वैसे और भी बहुत सारे फ्रेज प्रीपोजिशन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। बाय मीन्स ऑफ लेडर, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, यानी कि सहायता से। लेडर होता है सीढ़ी, तो यानी बाय मीन्स ऑफ लेडर द थीफ एंटर्ड हिज हाउस, मतलब लेडर यानी सीढ़ी की सहायता से जो चोर था वो उसके घर में प्रवेश कर गया। इसी तरह से इन केस ऑफ नीड, जरूरत करने पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर, इन केस ऑफ, यानी इन केस ऑफ जो है ये क्या है? दिस इज द फ्रेज प्रीपोजिशन इन केस ऑफ नीड, जरूरत पढ़ने पर। ही ऑलवेज कम्स टू मी, वो हमेशा मेरे पास आता है, ठीक है। इसी तरह से आर सोल्जर सफर मच फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ, ये हो गया हमारा यहाँ तक का फ्रेज प्रीपोजिशन, यानी कि भलाई के लिए। तो आर सोल्जर सफर मच, हमारे जो सैनिक हैं बहुत सफर करते हैं, दुख उठाते हैं, किसके लिए? हमारे देश की भलाई के लिए, तो फॉर द सेक ऑफ। इसी तरह से ऑन बिहाफ ऑफ माय सन आई सीक, सॉरी, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, माय सन, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। मीनिंग देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशंस जिनका हमें प्रैक्टिस करना है। तो मैंने बोला, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि 150 अराउंड इतनी सारी, 200 तक इतने सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो वो सारे कवर अप करना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। ये जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली विल नो अबाउट ऑल द जो भी प्रीपोजिशन है, हाउ टू यूज देम। अब लास्ट एक और था, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की मैंने बात की थी। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि वर्ब के साथ फिक्स्ड होती हैं, उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि वो उनके साथ फिक्स क्यों है, उनको हमें उसी तरह से लर्न करना पड़ता है, लर्न बाय हार्ट। तो वो कौन कौन से? अक्यूज ऑफ, दोषी होना, जैसे अक्यूज के साथ ऑफ है। एक्सीड टू, पहुंच होना, ठीक है, मतलब ही एक्सीड्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उसकी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच है, तो एक्सीड के साथ टू आया। अडेयर टू होता है चिपक जाना, मतलब चिपकना मीन्स इसी बात पे अड़े रहना, अडेयर टू, तो ही अडेयर्स टू दिस मैटर, वो इसी मामले पे अटका हुआ है। अक्वेंट विद होता है, मतलब जान पहचान होना, ठीक है, ये सब कुछ। तो आगे एग्री विद, ठीक है, ऐसे एडिक्टेड टू यानी आदी होना, ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो इस तरह से। अबाइड बाय और एफिलिएटेड टू, अ स्कूल इज एफिलिएटेड टू हरियाणा गवर्नमेंट, तो ये क्या है? उससे एफिलिएटेड। ये जो है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनके साथ ऑफ लगेगा, टू लगेगा, विद लगेगा, ये ऑलरेडी इसके साथ फिक्स्ड है, वी कैन नॉट रिमूव देम, वी कैन नॉट चेंज देम अकॉर्डिंग टू आवरसेल्स, और ये हमें इनका कोई रूल्स भी नहीं है, ये एज इट इज हमें प्रैक्टिस करनी है। तो दीज वर ऑल इन द जो टॉपिक था प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की मेन मैंने आपको बताई चार, और एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ, सुमित्रा इंग्लिश ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।